तन्वी भाई, शॉन टेट एक साल के लिए बॉलिंग कोच, ये कैसा फैसला है आपके ख्याल में? सकलैन मुश्ताक साहब एक साल के लिए हेड कोच, शॉन टेट एक साल के लिए बॉलिंग कोच। यूसुफ भाई का सवाल मैं पूछूंगा आपसे, उनको यूसुफ भाई को बनाया मोहम्मद साहब को बैटिंग कोच, लेकिन एक सीरीज के लिए, बाकी दो को एक एक साल के लिए। देखिए, शॉन टेट को आप लेके आए, हाँ नहीं मैं वर्ड वाले लेके, मतलब वर्ड वाले ही सवाल आपने किस लिए, मैंने आपने पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, आपके पास क्या कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है, ऐसे बॉलर्स नहीं है, सही है, जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हो, बेशक कम क्रिकेट खेले हो, मसलन राणा नवीद हो सकते हैं, शायद नज़ीर हो सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फजल अकबर, जिसके बारे में दुनिया कहती थी डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान के तो किसी को खड़े ही नहीं होने देता, डरा के रखता है, शोएब अख्तर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं, बॉलर्स हैं जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम खुद दूसरों की तरफ भागते हैं। ओके, दूसरी बात ये, मैं सख्त उस चीज के खिलाफ हूँ, ये मैंने आज थोड़ी देर पहले भी बात बोली, वो क्या, जिस जो मुल्क छोड़ के चला गया, चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर भी है पाकिस्तान का, पाकिस्तान से चला गया, इसका मतलब उसको पता लग गया मेरी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं, मैं बाहर रहूंगा, वहीं काम करूंगा, वहीं कोचिंग करूंगा, सब कुछ करूंगा, हम उन लोगों को बुला लेते हैं दोबारा जिनकी नेशनलिटी जिन्होंने, बहुत से प्लेयर्स हैं, बहुत से लोग हैं, आप बहुत सारे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, बहुत से खिलाड़ी इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इधर उधर आके पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग करके जा चुके हैं। मेरी लड़ाई इन लोगों से ये है, नहीं, इस हालिया सिलेक्शन में कौन ऐसा है जो बाहर चला गया तो उसको बुला लिया? सकलैन मुश्ताक, अच्छा, इंग्लैंड रहते हैं, वहाँ की नेशनलिटी है, फिर उसके बाद एकेडमी में अतीकुज़्ज़मान साहब भी थे, फिर उसके बाद वकार यूनुस साहब भी हैं, फिर उसके बाद और बहुत से लोग हैं, ठीक है, मतलब यानी जो पाकिस्तान के अंदर कोचिंग करते हैं लोग 8-8, 10-10 साल से, जो बाहर नहीं जाते, पाकिस्तान को टाइम दे रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो कहाँ हैं, वो आपको नजर नहीं आते। बात यह है कि रमीज राजा साहब जब आए थे, मैं ये समझ रहा हूँ कि रमीज राजा साहब के आने से बहुत फर्क पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। पड़ा कि नहीं पड़ा? कुछ चीजों में पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, लेकिन कुछ चीजें वो खुद भी गलत कर रहे हैं। जब आप गलत कर रहे हैं तो फिर आप कह रहे हैं जो खिलाड़ी चले गए पाकिस्तान छोड़ के, उनको अगर कोई जवाब में कहे कि भाई पैमाना काबिलियत रखे या पैमाना रखे कि कौन पाकिस्तान में कितना साल रहा, पासपोर्ट चेक करें, मुझे ये बताएं, जिसकी नेशनलिटी है बाहर, हाँ, वो पाकिस्तान आता है, सही है, वो नौकरी करता है, सही है, उसके बाद उसकी नौकरी खत्म होगी, वो रहेगा पाकिस्तान में? नहीं रहेगा, वो मुल्क छोड़ के वापस चला जाएगा, जिस तरीके से अतीकुज़्ज़मान चला गया, जिस तरीके से मोहम्मद ज़ाहिद को लिया गया, वो चले गए, खेले तो है ना, जिस तरह वकार भाई जी, किसी की सिंसियरिटी कर सकते ना, देखिए चाहे बाहर भी रहते हो, सिंसियरिटी को तो सवाल है, जिस जिसका नाम ले रहा हूँ खुदा के लिए, ये इनको पता चल जाता है मेरे नाम लेने लग गए, सारे मेरे खिलाफ हो जाते, वो भी जाए तो कोई मसला नहीं, मुझे वैसी परवाह नहीं है। बात ये है कि इनको खुद सोचना चाहिए कि ये वापस चले जाएंगे, और गए भी सारे 3-4 लड़के जाते चले भी गए वापस। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जो मैं बात कर रहा था, मैं ये समझता हूँ कि इनके आने से पाकिस्तान क्रिकेट की जो बड़ी बड़ी चीज़ें, जो बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, ये कम अज़ कम नज़रों में रखें। लेकिन ये खुद गलतियाँ क्या कर रहे हैं, रमीज राजा साहब ने अपने YouTube चैनल पे कुछ अरसे पहले शोएब मलिक और हफीज की बात की, कि ये जी मेरे पास है क्लिप, अगर आप कहते मैं सुना, मेरे पास मैंने स्पेशली निकाला है ये क्लिप, 38 साल के हो गए हैं ये लोग, इनको पाकिस्तान टीम में क्यों सिलेक्ट किया, गुस्से में गई थी बात, ठीक है, जब सिलेक्शन हुई थी एक टूर जी, गुस्से हुई याद है, बांग्लादेश के टूर की, ठीक है, मुझे ये बता दें, वसीम बारी साहब 25 साल के, आपने 73 साल की उम्र में उनको ये कंसल्टेंट बना दिया, सही पॉइंट है। आखिर में एक बात ये बता दें क्रिकेट के मुताबिक, तो गेम खेलेंगे कि सारी एक खाली एक मासूमाना सवाल ना मुझसे पूछे आप, अच्छा मैं एक सवाल पूछ के फिर आपसे पूछूं, मुझे पता है कि सबका तजुर्बा मिला ना तो आपका ज्यादा है क्रिकेट में, लेकिन एक बात, मैं एक आखिरी बात, 40 साल मोहम्मद यूसुफ साहब जो है यूनुस भाई, उनको सेलेक्ट किया है एक सीरीज के लिए, बाकी दो को एक एक साल के लिए, तो ये यहाँ चले मैं आपसे पूछ दूँ, मैं अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भाई हम आपको एक सीरीज के लिए आपको हम कोच या हेड कोच या बैटिंग कोच, तो आप कबूल करेंगे आपके ख्याल में? नहीं, ये एक सीरीज आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है आप नहीं करेंगे। अभी उठ के चला जाऊं? देखिए, आप कहेंगे भाई क्या हो गया, मोहम्मद यूसुफ मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बहुत बड़े नाम है, सही बेशक, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ इंजमाम नहीं, जावेद मियादाद इंजमाम के बाद, इंजमामुल हक के बाद, ये उन नामों में से जो के टेस्ट क्रिकेट में और वन डे क्रिकेट में एक दर्जे के प्लेयर थे, वाह वाह सही है, जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस जो हमने देखी और उनकी बहुत तारीफ की है, सही है, ये उन प्लेयर में से जो जो आप कहते हैं ना उंगलियों पे आपको गिन सकते हैं आपके पाकिस्तान के लेजेंड और अपने टाइम के टॉप 5 प्लेयर्स में से हो सकते थे, मेरे ख्याल से थोड़ी सी जाती है, ओके, मोहम्मद यूसुफ उनके साथ जाती है, एक सीरीज के लिए, एक सीरीज में वो क्या, अगर खुदा ना खास्ता
बैट्समैन परफॉर्म नहीं करते तो आप क्या उड़ा देंगे कि भाई चलो फेल हो गया मोहम्मद यूसुफ जो है इतना बड़ा नाम फिर फारिग हो जाएगा। मेरे ख्याल से जितने भी कोचेज हैं सही है, पहले तो जब सकलैन मुश्ताक को आपने उनका वर्ल्ड कप इतना अच्छा गया तो फिर उसके बाद कितने मसले मसाइल हुए, छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, नाराज हैं, मना लिया गया, अब जाके फिर ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो जब उनको इंडक्ट किया था इट वाज रॉन्ग। अच्छा क्यों? क्यों कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के आप उनके लिए लेके आपने एक विजन बनाया उनके लिए कि ये कुछ लोग हैं जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को रन करेंगे, पाकिस्तान के क्रिकेट को रन करेंगे, पाकिस्तान के कोचेस को एजुकेट करेंगे, जिसमें मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक थे। ठीक है, उस वक्त आपके कोचेस छोड़ के चले गए लेकिन आपको जरूरत थी। लेकिन अब क्या था, मेरे ख्याल से अगर इवन शॉर्ट टेट भी एक 12 महीने में क्या कर सकते हैं आप, दो दो तीन तीन चार चार साल के लिए सीरीज तो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से तीन तीन चार चार साल के लिए किसी को लेके आए ताकि उसका वो कुछ अपना बेस्ट दे सके। चलो, आगे जाके ये ना हो कि मैच पे मैच रखने लगे। दो तीन सेकंड की बात हो गए, जितने भी हमारे नाम है, जितने भी बड़े नाम है, ये क्यों नहीं अपने मुंह से कहते अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑफर होती है कि जी बैटिंग कोच बन जाए या बॉलिंग कोच बन जाए, मतलब आपका मुंह नहीं है, मुंह से बोलो नहीं हम नीचे काम करना चाहते हैं। ये पॉइंट आ गया, ऐसे टीवी पे करते हैं आगे बढ़ते हैं, समझ आते रहते हैं, नीचे काम नहीं करना। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।